नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। बुंदेलखंड की बहादुरी की गाथा तो हमने बचपन से ही सुनी होगी, लेकिन आज इस कदर बुंदेलखंड की जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा भयावह है। खासतौर से मौसम की मार इस कदर बुंदेलखंड पर गिरी है कि इस समय जब गेहूं बुआई का सीजन है तो वहां खेतों से धूल उड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही पिछले अगर दो मौसमों की बात करें तो लगातार वहां की हालत खस्ता हो गई है। पूरी कृषि बर्बादी के कगार पर आ गई है। लोगों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां के हालातों पर, वहां के विषयों पर, और वहां पर किस तरीके से विकास किया जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अनमोल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामेन्द्र सिंह जी हैं हमारे सहयोगी संवाददाता रिपोर्टर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत राज सिंह, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर भरत राज सिंह पर्यावरणविद है, वैज्ञानिक है और निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। हम अपनी चर्चा को सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनमोल जी से। अनमोल जी, आपने जैसा कि बताया कि आप बुंदेलखंड में काफी ज्यादा भी सर्वे करके आए हैं, वहां की जमीनी स्थिति क्या हालात दिख रहे हैं आपको इस समय पे? स्वराज अभियान की तरफ से एक सर्वे वहां पे पिछले दशहरे और दिवाली के बीच में किया गया और उसमें ये पाया गया, लगभग 1200 परिवारों से हमने पूछा, उसमें ये पाया कि जो स्थिति वहां पर हुई है इस समय उसके कारण मुख्यतः पिछले तीन सालों से जो वहां पर सूखे की स्थिति रही है, बारिश औसत से काफी कम रही है, तीन कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉट ईयर्स के कारण स्थिति अकाल की तरफ लगभग मूव कर रही है। ज्यादातर परिवारों ने इस तरह की बात की कि उनकी फसल लगभग लगभग पूरी डैमेज हो गई है। ओलावृष्टि के कारण पिछली फसल जो रबी की चौपट हुई थी, अब इसके बाद कम बारिश के कारण खरीफ की, खासतौर दलहनी फसलें, एक तिल वगैरह को छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, बाकी सोयाबीन की फसल लगभग लगभग पूरी चौपट हुई है। ओवरऑल जो मतलब फूड ग्रेन इंटेक है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। लगभग 50% परिवारों ने इस तरह की बात की कि उनके बच्चों ने पिछले 3 महीने से 4 महीने से दूध का बिल्कुल दूर से दूध का कहीं उनको उपभोग नहीं हो पाया है, दूध नहीं मिल पाया है उनको, और दाल वगैरह भी और सब्जी वगैरह भी बिल्कुल ना के बराबर उपभोग हो पा रही है। लोगों की पारिवारिक सामाजिक स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। रामेंद्र, ये हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात क्यों आखिर पनपे वहां पे? काफी ज्यादा सुनने में आता है बुंदेलखंड के लिए सरकारें बहुत ज्यादा कर रही हैं, बड़े बड़े पैकेज के ऐलान होते हैं, लेकिन क्या स्थिति है वहां की जमीनी, ऐसे क्यों हालात बिगड़ते हैं? विकास जी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा रोल प्ले कर सके, और उसका खामियाजा बुंदेलखंड लगातार भोगता है। सरकार की नीयत अगर अच्छी होती तो बुंदेलखंड के हालात न होते। केंद्र सरकार के लगातार मिल रहे पैकेज, जो अधिकारी हैं वहां, जो नेता हैं, उनकी जरा स्थितियां देखिए। अधिकारी वहां रहना चाहता है, नेता वहां के मालामाल हैं। एक सांसद के हम लोग गए थे तो पता लगा कि 100-100 ट्रक हैं, मशीनें खुदाई की हैं, यानी नेताओं के हालात बहुत अच्छे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में भी सारे नेताओं के जो बुंदेलखंड से निकाल रहे हैं नेता और अधिकारी, अगर वो वापस कर दे बुंदेलखंड को तो बुंदेलखंड की कोई स्थिति गड़बड़ नहीं है, और बुंदेलखंड रोना रोने की चीज भी नहीं है। बुंदेलखंड अपने पैरों पर खड़ा होने वाला, हमेशा खड़ा रहने वाला प्रदेश है, और उसको कल ये उनके संसाधन वापस कर दे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं लगती। सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार बुंदेलखंड पर फोकस नहीं करती। आप जाइए औरैया उरई तक तो आपको सड़कें अच्छी मिलेगी, जैसे आप जालौन से घुसते हो आपको लगता है आप बुंदेलखंड में आ गए हो। बुंदेलखंड में रिच संसाधन है, उनके जो संसाधन उन लोगों को दिए जाएं, जो काम करने वाली जातियां, नदियों किनारे जो जातियां काम करती थी, सब्जी भाजी का काम करती थी, मोरंग का लदान करती थी, वो सारी जातियां वहां से हट गई हैं, वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गई, बड़े शहरों को पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आपने वहां उनको रहने के लायक परिस्थितियां ही नहीं पैदा की हैं, और इसमें सरकार का फेलोर है पूरी तरीके से। बुंदेलखंड को खड़ा करना है तो पहले सरकार को अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, नीयत साफ करनी होगी, सरकार को काफी गंभीरता से विचार करना होगा। डॉक्टर सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कई दशकों से हम देख रहे हैं, पिछले एक दशक से लगातार देख रहे हैं बुंदेलखंड की स्थिति, लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है वहां पे, अगर क्या कुछ कारण है, ये क्या क्यों आखिर ऐसा हो रहा है वहां पे? पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो वो हमारा प्रदेश का एक ऐसा इलाका है कि जहां पर पथरीला है और वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, और वहां पर बारिश जो पहले हुआ करती तो वो भी 2012 की जिक्र भी हुई है तो वो 55% हुआ करती थी, वर्तमान में वो घट करके आपकी बारिश 32% हो गई।
तो अब ये आप सोचिए कि जो पैदावार स्टेट लेवल पर पहले वहाँ पर 15% फूड ग्रेन्स और ये सब जो पैदावार थी स्टेट की वहाँ से होती थी, और आज वो अगर 6-7% पर आके टिक गई है तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भुखमरी के कगार पर होंगे। इस पर बहुत ही सीरियस चीज़, जैसा रामेन जी ने अभी कहा कि सरकार को सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ के अगर देखा जाए तो खनिज जाए या पत्थर जो भी वहाँ से निकाले जा रहे हैं वो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, वो ये जगह तो इतनी धनाढ्य होनी चाहिए वहाँ के लोग उससे लाभान्वित तो नहीं हो रहे जी, जी। तो ये चीज़ें हैं, इस पर हमें फूड सिक्योरिटी वाली बात जो है वो सरकार को हर हालत में कहीं न कहीं से कम जो लोग वहाँ हैं कहीं से भी उसको भेजें ताकि वहाँ से लोग विस्थापन तो रुके, कम से कम जैसे खाने की जो ज़रूरत है मिनिमम नीड है वो तो वहाँ पर उपलब्ध हो। अब रह गई कि आपने कहा कि ये डे बाय डे क्यों चेंज हो रहा, तो चेंज तो देखिए जलवायु परिवर्तन में पूरे विश्व में चेंज हो रहा है, तो जो भौगोलिक दृष्टिकोण से पहले से ही ऐसी स्थिति में है तो वो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे, उनमें ज़्यादा आज ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जो अच्छा ये भी नहीं कि वहाँ सभी चीज़ें तीनों ऋतुओं की फसलें होती थी, वहाँ तो नाम मात्र का दलहन का होता था, जैसे आप जो शॉर्ट पीरियड की वो चीज़ें थी सब्जी होती थी, तो हमें अगर ये होती थी तो कुछ चीज़ें तो हमें वहाँ चालू करना पड़ेगा। रहा मैंने पहले ही ये कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से तो योजनाएं वहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से जो वहाँ लागू हो सकती है उसको चलाना पड़ेगा। हम तो आपको एक चीज़ का हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, हम अगर पूरे देश में राजस्थान को ऐसा इलाका मानते हैं कि वो हमें ऐसा दिखता है कि सूर्य की सारी जो वहाँ गर्मी है, तो हम जो अगर सौर ऊर्जा उत्तर प्रदेश में चालू करना चाहते हैं तो वो तो हमारा हमारे प्रदेश का वो इलाका इतना प्रभावी है कि कितनी बड़ी योजनाएं वहाँ चला सकते हैं और पूरा इलाका खाली। अभी आप भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें चित्रकूट अपने में 3,45,000 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि और झांसी ले लीजिए वो 5,000 कोई, इधर महोबा और इन सब का 4,000-4,500। तो अगर ये देखें तो वो हमारे प्राचीन उसमें महा जंगलात इतने थे, और अभी भी चित्रकूट ऐसी है भले वो मध्य प्रदेश और उसमें, लेकिन बुंदेलखंड का ही तो भाग है। तो उसमें हमें क्यों नहीं ऐसी चीज जो हमारे ये लोगों को ल्या करके लोगों का अट्रैक्शन, एक तो एक धार्मिक स्थान तो है ही है, लेकिन हमें बहुत सी चीजें ऐसी डेवलप की जा सकती हैं कि लोग वहां से पर्यटन का बहुत बड़ा वो हो सकता है, और छोटे छोटे विकल्प रखें जिसमें लोग जुड़े वहां के लोगों को लाभ हो, और वो लाभ के लिए हमें आर्थिक स्थिति मजबूत हो प्राइमरी। और हम आपको इसमें चर्चा में ये कहना चाहेंगे योजनाओं पर कुछ ध्यान देना चाहिए और लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक लाभान्वित तो नहीं होंगे, अगर बड़े लोग वहां पर, झांसी बहुत अच्छी जगह और लोग वहां बड़े धनाढ्य हैं, लोगों ने वहां तमाम मशीनें तमाम चीजें लगा करके सब कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो जो जनता है जो आम जनता है उसको क्या लाभ हो रहा है ये देखने के लिए को सीधे लाभ सीधे लाभ कैसे वहाँ पे आपने जब गए वहाँ पे देखा तो लोगों की सबसे ज्यादा प्राइमरी नीड क्या आपने देखी वहाँ पे प्राइमरी नीड की जरूरत जो प्राइमरी नीड समझ में आई पानी की समस्या चूंकि है तो चाहे जानवरों के लिए पानी हो चाहे कृषि के लिए पानी हो तो प्राइमरी नीड कहीं ना कहीं पानी की है। और पानी के मामले में एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो सर भी जो इसका जिक्र कर रहे थे कि जितनी भी योजनाएं पुरानी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे आई हैं वाटर सेट डेवलपमेंट के नाम पे चेक डैम्स बनाने के नाम पे वो अगर थोड़ा भी 30-40% 50% भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की गई होती तो शायद जो अभी इस अकाल वाली स्थिति की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग वैसी स्थिति ना आती। पानी की समस्या और पानी के कारण उपजी जो एग्रीकल्चर पूरा एग्रीकल्चर चौपट हो जाने की समस्या वो है, और उसके कारण जो न्यूट्रिशन लेवल उनका फूड सिक्योरिटी की समस्याएं वो समस्याएं बड़े तौर पर हैं जो देखी गई हैं। इसके साथ ही क्या लगता है वहाँ के जो सामाजिक हालात है आपने देखा होगा क्या उन लोगों को योजनाओं का सही लाभ मिल रहा है?
नहीं, ये समस्या एक तरह से जो गवर्नेंस डेफिसिट वाली बात है वो पूरे पूरे यूपी की समस्या है, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के जो 1.5 करोड़ लोग हैं बुंदेलखंड के, उनकी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय रही है। जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई थी उसमें काफी ज्यादा लोग आत्महत्या वहां करते हुए खबर सुनी, पहले इसलिए वहां की बात सबसे ज्यादा गंभीर बनी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुसाइड मैप पे पहले हमारा जो है ज्यादातर महाराष्ट्र के कॉटन ग्रोवर्स ज्यादातर हुआ करते थे, फिर पंजाब हरियाणा वगैरह आ गए। अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में भारत के सुसाइड मैप में, किसानों के सुसाइड मैप पे बुंदेलखंड भी आ गया है। वो इसलिए आ गया है क्योंकि किस तरह से लगातार 2-3-4 साल से किसान जो ऋणग्रस्तता के शिकार हो रहे हैं और एक डेट ट्रैप में जो ऋण जाल में फंस जा रहे हैं, उस कारण वो उनके पास अगर सरकार की तरफ से कोई कुछ योजना नहीं पहुंच पा रही है तो अवसादग्रस्त होकर के वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये सुसाइड वाली समस्याएं रिपोर्ट की गई, हम लोग के सर्वे में भी रिपोर्ट हुआ कि इनके भुखमरी के कारण और ऋणग्रस्तता से शिकार होने के कारण कम से कम हर गांव से 1 या 2 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भले ही सरकार उनको कई बार सुसाइड केस नहीं मानती, उनको अलग अलग तरह से बीमारी कारण या और कारणों से मृत्यु का बता देती है, मगर सच्चाई ये है कि वो कहीं न कहीं इन्हीं कारणों के कारण सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। रामेंद्र, ऐसी स्थिति क्यों आती है? एक बड़ी गंभीर दयनीय स्थिति है आज के समाज में, लोग भुखमरी के कारण किस कारण आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं। पहले भी ज्यादा गंभीर बात है, बुंदेलखंड इतना रिच, ऐसा नहीं कि पहली बार वहाँ सूखा पड़ रहा है, इससे पहले भी जो सदियों से सूखे का प्रभाव बुंदेलखंड में रहा है, लेकिन बुंदेलखंड अपने पर निर्भर रहा है। बुंदेलखंड की नीतियां अगर आप एसी कमरे में बैठ के बनाओगे तो शायद नहीं बन सकती। बुंदेलखंड को बुंदेलखंड में जाकर देखना पड़ेगा, वहां के तालाब बहुत रिच थे, डैम, चेक डैम, आप स्टेट गवर्नमेंट ने चेक डैम बनाया वहां, सेंट्रल की जो पैकेज किया था, और पहली बरसात में सारे चेक डैम बह गए। एक मंत्री ने मंत्री की शिकायत की, कहा कि ये चेक डैम जो बनाए गए हैं ये घटिया हैं, तो उस मंत्री को हटा दिया गया जिसने शिकायत किया था। तो हालात आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस परिवेश में कैसे काम हो रहा होगा। संकट वहां खाद्यान्न का उतना नहीं है, दलहन की बड़ी फसल हो सकती, तिलहन की बड़ी फसल हो सकती है, लेकिन उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। दलहन की कीमत महंगी होती चली जा रही पूरे देश में, लेकिन दलहन बुंदेलखंड में जहां हो सकता वहां नए बीज नहीं उपलब्ध कराए गए, नई व्यवस्थाएं नहीं की गई, और जो कम पानी में फसलें हो सकती है, लाल गेहूं वहां कठिया गेहूं होता है वो 55 रुपए केजी बिक रहा मुंबई में, लेकिन होता क्या है कि वहां उत्पादन जो ज्यादा होना चाहिए वो कम हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बुंदेलखंड में जाकर के करनी पड़ेंगी आपको, अगर ये नहीं करते हो तो भुखमरी से आप उसको बचा नहीं सकते हो, और कोई सरकार वहां जो योजनाएं थोप रही है उनसे उसको बचना पड़ेगा। बुंदेलखंड की जमीन पर जाकर वहां योजनाएं बनानी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं, आप कैसे काम कर सकते हो। मैं ये बात करना चाह रहा था, ये तो सारी चीजें हैं लेकिन एक आत्महत्या की स्थिति तक क्यों पहुंच रहा है? देखिए, संकट वहां यह है कि जो लोन वहां दो तरीके के लोन लेते हैं, एक तो बैंक से लोन लेता है, दूसरा मोस्टली वहां के लोग जो है साहूकारों से लोन ले लेते हैं, जो 10% 12% 20% तक लोन मिल जाता है कि चलो अगली फसल हमारी हो जाएगी हम दे देंगे। उसी बीच लड़के की बीमारी आ गई, बेटी का ब्याह आ गया, लड़के का ब्याह आ गया, बुंदेलखंड में तमाम कुरीतियां, जैसे आपको कोई घर में आदमी की मृत्यु हो जाए तो भी 5 मिठाइयों के साथ आपको भोजन कराना है, इन कुरीतियों के कारण भी लोग उस पैसे के यूज अपने कामों में कर लेते हैं। और जब कर्ज का बोझ बढ़ता है और जो सूखा पड़ता है उसका दबाव शायद वो नहीं झेल पाता, आगे आने वाली परिस्थितियां सरकार को कहीं से उसको लगता नहीं कि सरकार उसके साथ खड़ी है, इस कारण वो आत्महत्या की तरफ जाता है, जो हम लोगों ने देखा है जो हालात वहां के हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बता रहे हैं वहाँ के हालात हैं, हमने भी कई बार जाना पड़ा, जो खबरें आती हैं कि वहाँ के ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पे प्रशासन शासन की टीम आज तक पहुँची नहीं, जानते ही नहीं वो लोग कि ऐसी कोई प्रशासनिक मशीनरी भी होती है। ऐसे स्थिति में जबकि बुंदेलखंड में जल प्रबंधन की एक समस्या लंबे समय से चली आ रही है, क्या कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं जिससे वहाँ डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाया जा सके उस क्षेत्र को? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मेरे विचार में यह था कि हम इस दूरदर्शन के माध्यम से वर्तमान सरकार को कुछ आगाह करें कि क्या चीज़ वहाँ हो सकती है। ऐसी परिस्थिति जो पैदा हो गई है वो हमने पहले भी बताया, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये पुराना ही वो है, लेकिन क्या वहाँ पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुआ, क्या वहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ हुआ, ये एक बड़ा भारी क्वेश्चन है। अगर हम वहाँ से तमाम चीज़ें कर रहे हैं और उससे योजनाएं चला करके हम लाभान्वित हो रहे हैं या चंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं, पब्लिक नहीं हो रही थी, भुखमरी के कगार पर तो आएंगे ही। तो अगर वहाँ पर पानी की समस्या है
और पुराने समय से चली आ रही, अब तो क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन है उसमें और ज़्यादा इफेक्टेड होगा। जैसे हमने बताया कि 8 से 9 मिलीमीटर बारिश होती थी सालाना, वो 4 से पे आ गई, आधे से कम पर आ गई है। तो अब स्थिति ये है कि जो फार्मिंग की स्थिति करनी चाहिए, जैसा रामेन जी ने भी अपना सुझाव दिया है, तो वहाँ ड्रिप फार्मिंग। ड्रिप फार्मिंग क्या है कि आप पानी कम है, पानी को जितनी आवश्यकता है उस खेती के लिए उसको स्प्रिंकलर लगाएं। तो ये बहुत बड़ी योजना नहीं है, ये तो वहाँ के लोगों को जागरूक करके, अगर कम्युनिटी ट्यूबवेल लगा दें, बोरवेल लगा दें, कम्युनिटी, एक किसान नहीं कर सकता, कम्युनिटी लगाए सरकार और उसको उसके थ्रू पास करे, उनके उसमें स्प्रिंकलर लग जाए, तो हमारे ख्याल से फार्मिंग की जो समस्या अब पैदा हो गई, जो हम नेचर पर निर्भर करते, तो वो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम क्यों नहीं ये सोचते हैं, हम चाहते हैं कि लिफ्ट कैनाल, क्या वहाँ नदियों का, ऐसा नहीं कि नदियाँ नहीं हैं, हम तो वहाँ रहे हैं, हमीरपुर में बेतवा ब्रिज बनवाए हैं, तो बेतवा है, सिंध है, केन है, टूंस है, चंबल है, तमाम नदियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पर चल रही हैं। ऐसा नहीं कि नदियाँ सूख जाती हैं, नदियों में पानी, हाँ उनका उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन उन नदियों का उपयोग करके हम लिफ्ट कैनाल से जहाँ तक संभव है उसको यूज़ करें, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको करें, ग्रिड फार्मेशन करें, प्लांटेशन लगाएं, मतलब ग्रिड फार्मेशन अगर वहाँ हरा भरा भी कर देंगे और उसके बीच में खेती कर लेंगे तो नेचर को भी हम बचा रहे हैं और उसके साथ साथ वहाँ के लोग उसमें लगेंगे और उनको भोजन की कोई समस्या नहीं कि जो चीज़ें हैं, जहाँ तक रही कि भाई जो चीज़ वहाँ नहीं पैदा होती वो उनको गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पैदा करे, वहाँ पहुँचाए, उसको करे। तो ये वहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप देखें कि प्रति एकड़ अगर ज़मीन में हमारे ख्याल से वहाँ अगर खेती की जाए तो 20,000 से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपके वहाँ पैदावार कुछ, हम प्रिसीजन फार्मिंग एक आती है जिसमें हमें शोध की आवश्यकता होती है और उस शोध के साथ अगर लगा दें तो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आ जाएगा। तो ऐसी योजनाएं जो ऐसी जगह है पूरी बंजर पड़ी हुई होती चली जा रही है उसको लगाएं। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहते हैं वहां के लोग पलायन ना हो, बल्कि दूसरी जगह से लोग वहां आए। अभी उदाहरण हम आपको शक्ति नगर के दें तो वो तो बहुत ही विकट जगह थी, आज वो देखिए और दिल्ली से भी बेहतर वो शहर दिखता है। तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम वहाँ 16 महोबा में अभी हम लोगों ने, सरकार ने सोचा कि 1200 स्क्वायर हेक्टर एरिया लेकर के सोलर प्लांट, बहुत ही अच्छी योजना है। हम कह रहे हैं क्यों महोबा? अरे पूरा वो तो पूरा बुंदेलखंड है, वो तो पड़ा हुआ है, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाइए, आपकी पावर की जनरेशन की समस्या खत्म हो जाए। और जलवायु में भी कितना योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है कि 40% हम पावर की वो दें। प्रकृति पे निर्भर रहने की बजाय हम लोगों को स्वयं भी आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको सकारात्मक सोच ये है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो कैसे लाभान्वित होंगे, किन किन योजनाओं से लाभान्वित होंगे, किसमें उनका जुड़ाव, किससे वो उनको उनकी रोजी रोटी चले और प्रफुल्लित हो, आगे बढ़े। यह भारतवर्ष कहाँ पहुंच गया है? और वो एक एक जगह, एक स्टेट का, इतनी बड़ी स्टेट जो हमारी एशिया की बड़ी से बड़ी स्टेट है, उसमें हम एक बुंदेलखंड को लेकर के देख रहे हैं कि लोग वहाँ भूखे रह रहे हैं, वहाँ लोग मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ये तो हमें सोचने की बात, बिल्कुल बहुत गंभीर तरीके से सोचने की बात है। अनमोल जी, आप लोगों ने सर्वे के बाद कंक्लूजन निकाला और कुछ यूपी गवर्नमेंट को आपने दिया भी है कि सुझाव दिए हैं, क्या कुछ वो चीजें हैं जिनसे वहाँ पे सुधार आ सकता है? मोटे तौर पर सुधार के लिए 2-3-4 चीजें हैं। अगर हम कहें तो सबसे बुनियादी चीज ये है कि वहां पर हमको वाटरशेड डेवलपमेंट चेक डैम्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, ताकि जो छोटे छोटे वाटर के सोर्सेज हैं उनको, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, उनका ठीक से इस्तेमाल किया जा सके, थोड़ा बहुत उसके थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो सके। दूसरा, फूड सिक्योरिटी के लिए हर हालत में, चूंकि वहां पे हालत भुखमरी की, अकाल की जैसी स्थिति है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया है, उस क्षेत्र के सभी जिलों में लागू किया जाए शीघ्र, ताकि मिनिमम फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी वहां इंश्योर की जा सके।
उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है बहुत बड़े स्तर पर, कि कहीं ना कहीं वहां पर जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, चाहे मिड डे मील स्कीम हो, चाहे सही ढंग से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, वो ठीक से वहां पर लागू की जा सके। इन सब दिशाओं में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, उस पर उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी या उनके उनकी टीम है वो ठीक ढंग से काम करेगी। अच्छा, क्या कुछ लगता है वहाँ एजुकेशन की स्थिति भी काफी ज्यादा बद से बदतर है, वहाँ मिड डे मील्स है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंट आपको दिखा? हाँ, जैसे जैसा रामेन जी कह रहे थे कि चूंकि वो राजनीतिक तौर पे बड़े हाशिए पे रहता है, हमारे पॉलिटिकल एपी सेंटर का पार्ट नहीं बन पाया है बुंदेलखंड, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अनआर्टिकुलेट सेक्शन है बुंदेलखंड का, जो अपनी बात शायद मीडिया में या बाकी जगहों पर नहीं रख पाता है, प्रेशर ग्रुप की तरह से नहीं काम कर पाता है। इसीलिए चाहे शिक्षा की स्थिति हो, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, चाहे कौशल विकास की स्थिति हो, जो बुनियादी मानव संसाधन विकास की जो आयाम है, उन सब की स्थिति खराब है। गवर्नेंस डेफिसिट वैसे तो पूरे ओवरऑल यूपी की समस्या है, मगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में गवर्नेंस डेफिसिट कहीं ज्यादा दिखता है। आदिवासी जनजातीय जाति है उनमें उन्हें समस्या बिल्कुल पिछड़ी है अभी भी तक, जिन जिन आदिवासी तबके या जो कहीं ना कहीं जो समाज के पिछड़े तबके हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे कुछ माइनॉरिटीज हों, ये सब की स्थिति और ज्यादा बुरी है, क्योंकि उनके लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम वैसे ही कमजोर रहता है। अगर स्टेट का सपोर्ट नहीं ठीक से मिल पा रहा है उनको, तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। खासतौर पर जो एग्रीकल्चर लेबरर वगैरह की तरह से काम करने वाले लोग हैं, खेती में श्रमिक की तरह से, जब खेती चौपट हो रही है तो खेतिहर श्रमिकों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। खेतिहर श्रमिक या छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग हैं, उनकी सबकी स्थिति खराब हो रही है और ओवरऑल सामाजिक आर्थिक स्थिति जिस तरीके से खबर सुनने में आती है, वहाँ बच्चों को दाल उपलब्ध नहीं, दूध उपलब्ध नहीं, तो बच्चों भी कुपोषण के शिकार होंगे आने वाले समय में, बिल्कुल तो और ही ज्यादा गंभीर, बिल्कुल आने वाले दिनों में और गंभीर होती है। अगर जैसे लगातार 3 बार इस तरह का ड्रॉट ईयर वहाँ पे हो चुका है, अगर 1-2 बार और सूखे जैसी स्थिति रहती है, तो स्थिति लगभग अकाल जैसी आ जाएगी। अगर कुछ, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, अगर वो प्रयास जमीनी स्तर पर वहां पर नहीं, स्तर नहीं, पर नहीं प्रयास की जरूरत है। रामेंद्र, क्या लगता है बुंदेलखंड करप्शन का एक रोल मॉडल बन गया है? देखिए विकास जी, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड को देखा, जहां वो बनाए गए थे कुएं, और पता लगा था कुएं की मुंडेर बनी है, बाकी कुआं गायब है। और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश जितनी खदान बुंदेलखंड से होती है, अगर उसका रिटर्न सरकार बुंदेलखंड के लोगों को वापस कर दे, तो शायद कोई चुनौती बुंदेलखंड के सामने नहीं है। पूरा मोरंग का खदान हो, पूरी गिट्टी का खदान हो, जितनी चीजें हैं बुंदेलखंड के, जो पठार का क्षेत्र है वहाँ आंवला बहुत होता है, देसी आंवला, उसके बीज है। आंवले पर रिसर्च चल रहा था कि इन रिसर्च को किया जाए। होता क्या कि जो पैकेज जाता है उस पर सरकारी तंत्र और नेताओं की निगाहें होती, उस पैकेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अभी अनमोल जी बता रहे थे कि वहाँ डीएमएसपी, आप भी बता रहे थे कि डीएमएसपी और एसडीएम गांव नहीं जाता है। जहाँ अधिकारी गांव नहीं जाते होंगे, वहाँ कैसे आप सोच सकते हो कि डेवलपमेंट का पैसा जाता होगा। मिड डे मील योजना नहीं चालू हो पा रही है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होता तो वो शायद अधिकारियों तक आते, उनकी समस्याओं से बेहतर अधिकारी भी रूबरू होते। तो हालात ये हैं कि वहाँ जो भी फंड जाता है, जो भी पैसा जाता है, केंद्र सरकार भी सीधा पैसा नहीं भेजता है, वो स्टेट के थ्रू जाता है। इसलिए संकट वहाँ है कि जो अधिकारी पोस्ट किए जाए, जो क्रियान्वयन है सर, जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन है, वो जब तक बेहतर नहीं होगा, बुंदेलखंड को आप सुधारने की बात नहीं कर सकते हो। और इस पर सरकार को चिंतन करना होगा, जो बुंदेलखंड हमारा पार्ट है उसको भी साथ लेकर ही चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे थे कि जैसे बुंदेलखंड है, ये साफ साफ कहें कि धनी जगह के गरीब लोग, तो आखिर कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों को हम और इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा की बात आपने बताई, एग्रीकल्चर की बात बताई, पर्यटन की बात बताई, क्या नहीं लगता है कि देश की आईआईटीज या बड़े कुछ संस्थान है मैनेजमेंट, उनको जाके वहां पर रिसर्च करके एक गंभीर, एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है बुंदेलखंड के लिए, स्पेशली बुंदेलखंड के लिए? मैं आपके इससे बहुत ही सहमत हूँ, बल्कि मैं इस पर कहना ही चाह रहा था कि ऐसा है कि अगर इस पर रिसर्च करके अगर हमें बढ़ाएंगे तो ये एक हमारे स्टेट का अंग है। और यहाँ उपलब्धता, जैसे रामेन जी ने कहा कि इतना ज़्यादा खनिज और ये हम दो वहाँ से ले रहे हैं और पूरे प्रदेश या देश को दे रहे हैं, तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमें रिसर्च की ज़रूरत है। अभी मोल जी ने कहा कि वहाँ पर चेक डैम किया जाए, तो वही स्थिति हम कह रहे हैं ड्रिप इरीगेशन, चेक डैम,
ये हमारे पास जब इतना ग्रिड मौजूद है, उतनी जगहें मौजूद हैं, हम ललितपुर और झांसी छोड़ दीजिए, ललितपुर का कुछ इलाका और झांसी का कुछ इलाका है जहाँ की डेवलप है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, लेकिन बाकी इलाके में क्या शिक्षण की क्या स्थिति पैदा हुई, बांधा में थोड़ा एक है, तो ऐसे अगर उसको कर लेंगे, लेकिन उसमें पूरे क्षेत्र में क्या हमने किया, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी योजनाएं लगा के रिसर्च की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि अगर वो खेती के देखा जाए तो खेती 20,000 से लेकर के 1.5 लाख के पैदावार उसमें हो सकती पर एकड़ में, तो हमें उसकी रिसर्च की जरूरत है और कुछ चीजें नई योजनाएं वहां जरूर लगाएं जो नीचे सतही तक जाए, उसका लाभ जाए। देखिए एक चीज अगर वहां डेवलप करते हैं उससे चारों तरफ तमाम छोटी छोटी योजनाएं, तमाम छोटे छोटे रोजगार पैदा हो जाते हैं, तो हमें वहां से खदान लेने से, मशीनों के चलाने से नहीं रोजगार वहां के लोगों को लाभ होगा, वहां तो हमें इस टाइप की छोटी छोटी योजनाएं लेकर के पानी कैसे उसको मैक्सिमम यूज करें, जो वहां पैदा उस रिचार्ज का क्या होना चाहिए, तो हरा भरा ज्यादा करने की कोशिश करें, ऐसे पेड़ लगाएं जो जैसे पहाड़ों में लगते हैं, पहाड़ों में चले तो वहां हरियाली होगी, वो एक परिवर्तन आएगा, उसमें जलवायु में भी परिवर्तन आएगा, तो वो स्थिति हमें लेकर के सोचना पड़ेगा और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हम वहां भुखमरी में अगर हम यहां से फूड ग्रेन और पूरा सप्लाई कर हर व्यक्ति को खाना नहीं मुहैया करा पा रहे, हमारी कमजोरी है, हमारे स्टेट की कमजोरी है। उनको करना पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा रोजगार में और उनको स्वावलंबी होना पड़ेगा कि हम अपने से पैदा करके अपने बच्चों के लिए, अपने आगे आने पीढ़ी के लिए हम कुछ दे रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसमें योजनाएं हमें इस टाइप की पैदा करनी पड़ेगी। चाहे हमें सोलर से करें, सोलर तो बहुत बड़ी चीज है, इरिगेशन बहुत छोटी ड्रिप फार्मिंग, ये तो इतना रिसर्च हो चुकी है, हाँ रिसर्च हो चुकी है, इसको क्रियान्वयन की पशुपालन पर है, क्रियान्वयन करने। अनमोल जी क्या लगता है वहाँ की स्थिति कुछ औद्योगिक विकास के लिए किस तरीके से हो सकती है, जिस तरीके से सरकार कहती है और केंद्र हो या राज्य सरकार हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, अगर उस एरिया में लगता है तो क्या डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल औद्योगिक विकास के मामले में कहीं ना कहीं हमारा जो एक नेशनल मैक्रो पर्सपेक्टिव है कि हम हमेशा केंद्र के पास विकास करने की कोशिश करते हैं, उससे हमको केंद्र के बजाय पेरिफेरीज की तरफ जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड के साथ समस्या यही कि चाहे वो देश के केंद्र के हिसाब से बात करें हम, चाहे राज्य के केंद्र के हिसाब से बात करें, वो कहीं ना कहीं किनारे पड़ जाता है। पेरिफेरीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के बजाय छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको हमको प्रमोट करना पड़ेगा ताकि जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके और कहीं ना कहीं ओवरऑल इनकम जनरेशन वहां पर लोगों का हो सके। कौशल विकास योजना इसमें काफी कारगर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में लग रही, जो रिच एरिया है जहां बहुत खाद्यान्न होता है, उनको शिफ्ट करना चाहिए बुंदेलखंड में, ये एक सरकार को सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मायने रखेगा बुंदेलखंड के लिए, जरूरी है कि सरकार वहीं के लिए प्रोजेक्ट बनाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पर्यटन ऐसी चीज है, फॉरेन से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, पर्यटन एक बहुत बड़ा है और बहुत वहां तो रानी लक्ष्मीबाई और सब चीजों का बड़ा पूरे बिल्कुल डॉक्टर साहब जो है कह रहे हैं, आज हमारे पास चर्चा के लिए समय इतना ही था, सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति बुंदेलखंड की है, सभी सरकारों को, केंद्र राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना होगा कि कहीं फिर से बुंदेलखंड एक भयानक स्थिति में न पहुंच पाए, वहां के लोगों को सीधे योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा सके, जो उनकी समस्याएं हैं कारगर ढंग से उनको हल किया जा सके, उनके विकास को आगे बढ़ाया जा सके, उनके सामाजिक आर्थिक और मूलभूत जो भी जरूरत है सबको, प्राइमरी नीड उनकी आवश्यकता पूरी करना ही सरकार को करनी ही होगी, तभी जाके वहां की स्थिति अच्छी बनेगी। आज की चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार। पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुँची कि नहीं? रास्ते में हूँ।